वेलकम स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड टॉपिक दैट इज़ वाइल्ड लाइफ इंडियन फॉरेस्ट आर द अडॉप ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द एनिमल्स आर टाइगर्स एलिफेंट लियोपर्ड्स डायनोसोर्स एंड द लाइन्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात देर आर ऑल्सो लार्ज हर्ड्स ऑफ एंटीलॉप एंड डियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो इंडियन फॉरेस्ट है इसमें काफ़ी सारे आप देखोगे बर्ड्स भी हैं एनिमल्स भी हैं पक्षी भी हैं और जानवर भी हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानवर हैं वो कौन से हैं टाइगर एलिफेंट लियोपार्ड टाइनोसोर्स लाइन्स हैं ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे एंटीलोप और डियर भी पाए जाते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में अब कुछ एनिमल स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है उनके हैबिटेट के बारे में बताया गया हैबिटेट मतलब उनके रीजन के बारे में बताया गया कहाँ कहाँ पर हैं तो फर्स्ट वन इज़ लेपर्ड ये है अपर रीचेज़ ऑफ हिमालय मोस्टली आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा एलिफेंट असम में केरला में और कर्नाटका में पाए जाएंगे कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया ड्राई एरियाज़ होते हैं जहाँ पे रेतली जगह होती है वहाँ पे होते हैं वाइल्ड एस होता है रन ऑफ कच्छ ये कि गुजरात में है ये वहाँ पे है राइनासोर्स आपको मिलेंगे आसाम में लायन शसरा जो कि गुजरात में है टाइगर जो है वो सुंदरबंस में है इंडिया हैज़ अबाउट एटी नाइन थाउजेंड नोन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ऑफ दीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आर बर्ड्स एंड सिक्सटी थाउजेंड इंसेक्ट्स Mammals include elephant, rhinoceros, bisons, wild sheep and other species of mammals, swarm, deer, spotted deer, neil guy, antelope, tiger, loin, snow, leopard and marble cats. Birds include pheasants, geese, ducks, mehuns, parakeets, pa pigeon, crane and hornbills. The river and lakes have crocodiles and gharials. Many species of animals are in danger of getting ex extinct. The endangered species are butterflies, moths, beetles, 39 type of mammals, 72 birds, and 17 reptiles. National parks and wildlife sanctuaries have been set up in different parts of India to protect the endangered species. Shooting of wild animal has been made a crime at these places. In the zoo, the wild animals live, live in cages, but in the sanctuary, they form freely. इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स द विजिटर हैव टू गार्ड दम सेल्वस इंडिया में जो है वो नियर अबाउट एट्टी नाइन थाउजेंड स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की जिसमें कि पच्चीस हज़ार जो हैं वो बर्ड्स की हैं और साठ हज़ार इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों की है और कुछ मैमल्स भी होते हैं मैमल्स नियर रिलेट करते हैं ह्यूमन बींग्स भी एक मेमल ही है तो मैमल्स में कौन से एनिमल्स आएँगे एलिफेंट डाइनोसोर्स बाइसन वाइल्ड शीप और काफ़ी सारे और भी मैमल्स होते हैं और इसके साथ साथ जो बर्ड्स होते हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं फीजेंट्स गीज डक्स मीनास पार्किड्स पीजन क्रेन हॉर्नविल्स ये सारे बर्ड्स की कैटेगरीज में आएंगे और जो रिवर्स और लेक्स हैं उसमें क्या होते हैं क्रोकोडाइल्स होते हैं और घड़ियाल्स होते हैं ठीक है जो आप देखते हो क्रोकोडाइल्स घड़ियाल्स भी क्रोकोडाइल का एक फॉर्म ही है उन्हीं की फैमिली में से बिलोंग करता है और जो काफ़ी स्पीशीज़ हैं एनिमल की वो जो हैं लुप्त होती जा रही है मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है इसलिए जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है स्पीशीज़ वो कौन कौन सी है बटरफ्लाइज हैं बीटल्स हैं थर्टी नाइन टाइप्स ऑफ मेमल्स भी हैं सेवेंटी टू बर्ड्स हैं सेवेंटीन रेप्टाइल्स हैं इसके लिए काफ़ी सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई हैं ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके इन स्पीशीज़ को और शूटिंग जो है मतलब इनका शिकार करना बिल्कुल बैन है और ये क्राइम है अगर कोई भी इसका शूट करता है इन एनिमल्स को तो उन्हें सज़ा होती है ये लीगली क्राइम है ओके okay? और जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये केजेस में रहते हैं मतलब पिंजरों में रहते हैं जू के अंदर लेकिन सेंचुरी में ये इधर उधर नियरली घूम सकते हैं आराम से अपनी सराउंडिंग में और जो विजिटर होते हैं जहाँ उन्हें देखने के लिए जाते हैं लोग उन्हें बहुत संभल के रहना होता है उन्हें खुद को अपने आप ही प्रोटेक्ट करना होता है Next topic is Conservation of Wildlife. Wildlife is an important asset of our national heritage. Thousands of tourists from other countries came to India to see wildlife. With a view to preserve wildlife, the central and state government have established 89 national parks where one can see the wild animals in natural setting. There are 490 wildlife centuries and 35 zoological parks. Conservation of wildlife is important for ecological balance. The first week of October is celebrated as Wildlife Week. अब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब हम कंजर्व बचा के कैसे रख सकते हैं अपनी वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड लाइफ जो है एक काफी इंपॉर्टेंट असेट है काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे नेशनल हेरिटेज का बहुत हज़ारों में जो लोग टूरिस्ट हैं जो बाहर से बल्कि बाहर की कंट्री से इंडिया में वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आते हैं इसलिए वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए और उन्हें संभाल के रखने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने नियर अबाउट एट्टी नाइन नेशनल पार्क्स जो हैं वो बनाए हैं और वाइल्ड एनिमल्स को वो लोग जो हैं वो नेचुरल सेटिंग में देख सकते हैं वहाँ जाके और फोर वाइल्ड सेंचुरीज़ और पैंतीस जूलॉजिकल पार्कस जो हैं वो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए और ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी इसलिए जो वाइल्ड लाइफ को है उसे कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंडिया में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वाइल्ड लाइफ वीक सो दिस इज़ द मैप ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें चार कैटेगरीज में आपको डिवाइड करे गए हैं वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्कस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड सेंचुरी और टाइगर सेंचुरी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है सो द चैप्टर इज़ ओवर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी केयरफुली एंड वेरी फ्रूटफुली ओके थैंक यू सो मच